Hello guys, this is one of the most beautiful, clean and green capital and that is Islamabad. आज हम इस्लामाबाद की डिफरेंट प्लेसेस विज़िट करेंगे और लास्ट टाइम आया था लेकिन लास्ट टाइम मैंने सिर्फ किका मॉल विज़िट किया और आप लोगों को दिखाया. आज हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह विज़िट करें और आप लोगों को दिखाएं. मुझे हैरत अंगेज़ बात ये पता चली थी कि एक अंग्रेज़ था उसके साथ अपनी फैमिली आई हुई थी, वो ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान में मॉल्स हैं ही नहीं, इतना बुरा इमेज बाहर गया हुआ है. तो तब मैंने सोचा कि चलो एक्सप्लोर कर लेते हैं ताकि बाहर के लोगों को पता चले कि जिस तरह वो सोच रहे हैं हमारे बारे में उसी तरह हकीकत में है नहीं. तो तब मैंने गीगा मॉल का भी विज़िट किया और आज कोशिश करता हूँ कि गीगा मॉल के साथ साथ और डिफरेंट जगह भी विज़िट करें. तो अभी इस्लामाबाद पहुंच गए और इस्लामाबाद की अच्छी बात जो मुझे लगती है वो ये ग्रीनरी है, यानी रोड के दोनों अतराफ ट्रीज़ है. ये ट्रीज़ और ये ग्रीनरी ये खूबसूरती का एक हिस्सा है और ये बहुत अच्छे लगते हैं. अगर एवरीबॉडी अपने ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाए कि मैंने अपने माहौल को साफ़ रखना है और हिफाजत करना है और ट्रीज़ लगाने हैं, तो हर बंदा ट्रीज़ लगाए तो आप ख़ुद सोचें कि हमारा ये मुल्क कितना खूबसूरत लगेगा. अब जिस प्लेस को हमने सबसे पहले विज़िट करना है वो ये है सफ़ा गोल्ड मॉल F7 मरकज़ में. अभी बज रहे हैं 1:35 और सफ़ा गोल्ड मॉल 2 बजे ओपन हो रहा है. अब ये हम पहुंच गए और आप इधर भी देख लें, रोड के दोनों साइड पे ये ट्रीज़ है और ये ग्रीनरी कितनी ही पुरकशिश लगती है. इस रोड को और इस सारे एरिया को कितना ही कवर किया हुआ है और इससे टेम्परेचर भी बहुत नॉर्मल रहता है. F7 मरकज़ पहुंच गए हैं और ये है सफ़ा गोल्ड मॉल, द मोस्ट ब्यूटीफुल. अब अंदर जाके देखते हैं और आप लोगों को भी दिखाएंगे कि ये अंदर से किस तरह है. बाहर से तो बहुत अच्छा लगता है, बिल्डिंग भी बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है. ये है जी सफ़ा गोल्ड मॉल. सफ़ा गोल्ड मॉल आए हैं और जितना मैंने विज़िट किया जितना मैंने देखा तो सफ़ा गोल्ड मॉल ज़्यादा कंजेस्टेड है, मतलब ज़्यादा खुला खुला नहीं है. और सफ़ा गोल्ड मॉल के अंदर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट है, सिक्योरिटी का इंतज़ाम इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया है. अगर इसी तरह हम हर जगह सिक्योरिटी के इंतज़ाम करें तो हमारा मुल्क बहुत ज़्यादा सेफ रह सकता है. इधर भी अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं और माहौल भी साफ़ सुथरा है, लेकिन सफ़ा गोल्ड मॉल के अंदर ज़्यादा रश नहीं है और ज़्यादा खुला खुला भी नहीं है. बाकी आप खुद देख सकते हैं, खूबसूरत बनाया हुआ है. Guys, you can check it out yourself that how beautiful it is. आपने जब भी मॉल आना है तो 2 बजे के बाद आए क्योंकि मॉल 2 बजे ओपन होता है. अब मॉल के बाहर ये व्यू आप देखिए, ये ग्रीनरी, मैंने आपको बताया ना कि ग्रीनरी कितनी ही अच्छी लगती है. बिल्डिंग के साथ ये ग्रीनरी बहुत ही पुरकशिश, मुझे तो बहुत अच्छी लगी. वाओ, दैट्स इनक्रेडिबल. अब मॉल के बाद फैसल मॉस्क जा रहे हैं, फैसल मस्जिद जाएंगे और फैसल मस्जिद की ये मनाजिर आप ख़ुद देख सकते हैं, रश बहुत ज़्यादा है. आप कोशिश करें कि ईद के दिनों में कभी भी ना जाएं, ऑफ सीज़न आप ज़रूर विज़िट करें. और फैसल मस्जिद अगर आपने जाना है तो सन सेट के बाद आप जाएं. फैसल मस्जिद में ज़्यादा रश था तो हम ज़्यादा देर रुके नहीं क्योंकि गर्मी बहुत थी. अब जा रहे हैं द गीगा मॉल, द ब्यूटिफुल एंड माई फेवरेट मॉल इन पाकिस्तान. इंडीड द गीगा मॉल इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मॉल, क्योंकि ये खुला खुला है, ये ओपन है और ये बनाई भी इसी तरह बहुत ही खूबसूरत है. आप इधर घूमेंगे फिरेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा. मुझे तो पर्सनली आई रियली लाइक इट. यू गाइस कैन चेक इट आउट एंड यू गाइस कैन एंजॉय. गीगा मॉल की फुल वीडियो आप चैनल पर देख सकते हैं, मैं लास्ट टाइम आया था और मैंने डिस्कवर किया था. अब आप फ्यूचर में चाहिए नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जरूर मिलेगा हमारे.